मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTCM कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत है। MA भाग एक विषय हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता इस विषय के अंतर्गत आज हमें फीचर लेखन में उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों का परिचय आज हमें कर लेना है। ये प्रकार हम तीन आधारों पर यहाँ समझने वाले हैं। पहले समाचार पत्र पत्रिका यानी मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो फीचर लिखे जाते हैं उसे अलग प्रकार से समझने वाले हैं। उसके बाद यहाँ रेडियो फीचर, उसके बाद दूरदर्शन या टेलीविज़न फीचर, इसका परिचय यहाँ विभिन्न प्रकारों के माध्यम से हम यहाँ विस्तार से समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैंने इसके पूर्व ही आप लोगों से कहा था कि हमें यहाँ फीचर लेखन के जो प्रकार हैं वो प्रकार यहाँ जन संचार के जो मुख्य तीन माध्यम हैं, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम से समझ लेने हैं। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र पत्रिका में विविध प्रकार के फीचर यहाँ प्रकाशित होते हैं। कारण फीचर समाचारों की विधा है, इसलिए उसका फलक बहुत व्यापक है। वह सुई से लेकर चंद्र यात्रा तक, परमाणु से लेकर पहाड़ तक, किसी भी विषय और घटना को केंद्र में रखकर लिखा जा सकता है। यह व्यक्ति प्रधान विधा न होकर विषय प्रधान विधा है, इसलिए इसका वर्गीकरण विषय वस्तुओं के आधार पर ही किया जाना उचित है। जैसे फीचर लेखन के विषय में कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार उसके प्रकारों का निर्धारण करना भी यानी प्रकारों को निश्चित करना भी कठिन कार्य है। लेकिन यहाँ डॉक्टर विवेक राय ने यहाँ फीचर को लेकर उसे समाचारी फीचर अथवा तात्कालिक फीचर या विशिष्ट फीचर के माध्यम से दो वर्गों में रखने का प्रयास किया है। यानी समाचारों को लेकर जो तात्कालिक फीचर लिखे जाते हैं वो फीचर और विशिष्ट फीचर जैसे साहित्यिक फीचर होते हैं, सांस्कृतिक फीचर होते हैं, चिंतनपरक फीचर होते हैं, हम उसे विशिष्ट फीचर यहाँ कह सकते हैं। और उस माध्यम से हमें ये जो अंतर है ये फीचर लेखन में भी दिखाई देता है। तो आप लोग समझ गए, फीचर लेखन के मुख्य दो आधार हैं, समाचारी फीचर या तात्कालिक फीचर और दूसरा है विशिष्ट फीचर। तात्कालिक या समाचारी फीचर का मतलब है जो दैनंदिन घटनाओं को लेकर जो रोजमर्रा के जीवन में अनंत घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं को लेकर यहाँ जो फीचर लिखे जाते हैं उसे हम तात्कालिक फीचर या समाचारी फीचर कह सकते हैं। और विशिष्ट फीचर जो है वो साहित्यिक फीचर, चिंतन परक फीचर, सांस्कृतिक फीचर और इसमें यहाँ जीवन के जो अनेक विषय हैं उसमें साहित्यिक गतिविधियों हो, साहित्यकार हो, ऐतिहासिक घटनाएं हो, इतिहास की अनेक बातें हो, उसे लेकर यहाँ जो फीचर लिखे जाते हैं। इसी के साथ पर्व त्यौहार, सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन तीर्थ स्थान आदि संबंधी जो फीचर लिखे जाते हैं या रीति रिवाजों को लेकर फीचर लिखे जाते हैं उन्हें विशिष्ट फीचर कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट फीचर कहा जाता है। इस आधार पर यहाँ फीचर के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन हमें यहाँ मुद्रित माध्यम में मुख्यतः जो फीचर के प्रकार दिखाई देते हैं वह हमारे सामने यह छह प्रकार आते हैं। उसमें पहला है समाचार फीचर, दूसरा है घटनापरक फीचर, तीसरा है साहित्यिक फीचर, चौथा है चिंतनपरक फीचर, पांचवा है सांस्कृतिक फीचर और छठवा है फोटो फीचर। तो यह ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं या क्रम से भी इसे इस तरह समझ सकते हैं
पहला है समाचार फीचर, दूसरा है घटनापरक फीचर, तीसरा है सांस्कृतिक फीचर, चौथा है चिंतनपरक फीचर, पांचवा है साहित्यिक फीचर और छठवा है फोटो फीचर। ऐसे 6 प्रकार यहाँ सामने सामने आते हैं। तो इसके पहले मैंने कहा था कि फीचर के मुख्यतः 2 भेद यहाँ सामने आते हैं, समाचारी फीचर अथवा तात्कालिक फीचर। तात्कालिक फीचर वे समाचार आधारित फीचर हैं जो किसी दैनिक समाचार को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इनमें कल्पना कम तथ्य अधिक रहते हैं। जिन घटनाओं का कोई सामाचारिक महत्व नहीं होता परंतु जो पाठक को आकर्षक लगने वाली बातें होती हैं उन्हीं को जल्दी और संक्षेप में मनोरंजक तथा आकर्षक ढंग से लिखकर फीचर का रूप दे दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ कोई नदी किनारे जाता है तो इस तरह कोई सपना किसी को आता है, कोई अपना मित्र नदी किनारे या तैरने के लिए गया और वो पानी में डूब गया और वह डूबते डूबते किस तरह बचा। इस प्रकार का सपना किसी को आ जाता है और वो सपना ही वो मनोरंजक रूप में समझो लिख देता है, कह देता है, तो वह भी यहाँ फीचर बन जाता है। और उसमें ये दोस्ती का जो अपनापन है वो दोस्ती का अपनापन यहाँ बन जाता है या दिखाई देता है। लेकिन विशिष्ट फीचर तात्कालिक फीचर से भिन्न होते हैं। तात्कालिक या समाचारी फीचर तो तात्कालिक होते हैं, समाचार आया उसका किसी ने अनुगमन किया और फीचर बन गया, तब रह गया तो रह गया, आगे किसी और समाचार का इंतजार करना पड़ेगा। विशिष्ट समाचार के लिए सामग्री एकत्र भी की जा सकती है, कुछ समय लेखक के पास यह होती है, इसमें पुरानी सामग्री भी काम आ सकती है, पुरानी स्मृतियों को ताजा भी किया जा सकता है। नियतकालिक विषयों पर लिखे गए फीचर थोड़े बदल कर भी यहाँ काम आ सकते हैं, उसमें उत्सवों, ऋतुओं, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों, महापुरुषों, चिरस्मरणीय घटनाओं तथा जीवन के शाश्वत प्रश्नों पर लिखे गए फीचर या हमेशा ताज़ा रहते हैं, उन्हें हमेशा पसंद किया जाता है। इस प्रकार यहाँ हमें जो फीचर के मुख्य 2 आधार हैं, यहाँ समाचारी फीचर या तात्कालिक फीचर और दूसरा है विशिष्ट फीचर, तो उसमें से हमें यहाँ एक एक करके सबको यहाँ समझना है। तो आप लोगों ने ये जो 2 आधार हैं, 2 आधारों पर भेद तो कर लिए हैं, समझ लिए हैं, लेकिन उसमें पहला जो है समाचार फीचर। समाचार फीचर एक ऐसा फीचर है कि जिसमें फीचर का मूल भाव समाचार ही होता है। ये फीचर कथात्मक गठन के कारण पूर्ण लोकप्रियता अर्जित करते हैं। घटित घटना का पूर्ण विवेचन विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। समाचार केवल सूचनात्मक होता है परंतु समाचार के संदर्भ में व्यापक जानकारी उसके विविध पक्षों एवं प्रवृत्तियों को स्वयं में समाहित करते हुए यह फीचर लिखे जाते हैं। इस प्रकार उसमें रोचकता लाने का कार्य भी किया जाता है। तो इस दृष्टि से समाचार फीचर ये तात्कालिक फीचर होते हैं, यह हर समय लिखे जाते हैं। तो ऐसे जो फीचर हैं उन फीचरों के संदर्भ में यहाँ हम देख सकते हैं कि रोज दैनंदिन घटनाओं को लेकर फीचर लिखे जा रहे हैं और इन फीचरों में जो दैनंदिन जैसी घटनाएं हैं, आज जीवन में महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं को लेकर ये फीचर यहाँ लिखे जाते हैं। इसी तरह समाचार पत्र के साथ कुछ पत्रिकाओं में भी यह छपते हैं, जैसे कुछ पत्रिकाएं साप्ताहिक होती है, कुछ पाक्षिक होती है, कुछ मासिक होती है, कुछ द्विमासिक होती है, कुछ त्रैमासिक होती है, कुछ 6-मासिक होती है और कुछ वार्षिक होती है। ऐसी पत्रिकाओं में भी यहाँ ये जो फीचर है ये फीचर चित्र के साथ यहाँ जो है वह लिखे जाते हैं, वह प्रकाशित होते हैं। इसी के साथ यहाँ दूसरा जो फीचर सामने आता है वह घटनापरक फीचर। जैसे आप लोग देखते हैं दैनंदिन जीवन में अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं में
यहाँ घटना हो, दुर्घटना हो, वह दुर्घटना भी यहाँ फीचर बन जाती हैं और उसे बड़े रोचक ढंग से यह उद्घाटित किया जाता है। जैसे आज कोरोना महामारी के इस समय हमें, यानी हम 2020 से यह जो महामारी है देख रहे हैं, और इस महामारी को लेकर अनेक प्रकार के जो फीचर हैं वो फीचर लिखे गए हैं। उसमें अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं या भावना प्रधान होकर उद्घाटित करने का कार्य किया है, कारण वो मनुष्य के मन को छूती हैं। ऐसी घटनाओं को या रोचक ढंग से उद्घाटित करने का कार्य अनेक समाचार पत्रों के फीचर के माध्यम से हुआ है, और इसी के साथ अन्य दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसी के साथ यहाँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ प्रसंग यहाँ दिखाई देते हैं। उन प्रसंगों को लेकर भी जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं को यहाँ भावनामय होकर या भावना को महत्व देकर, भावना प्रधान हृदय पक्ष को महत्व देकर उसे उद्घाटित करने का कार्य यहाँ किया जाता है। ऐसे घटना प्रधान अनेक जो फीचर हैं वो फीचर दैनंदिन समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में हमें प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद तीसरा है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक जो फीचर हैं वो सांस्कृतिक फीचर आज हमें अनेक, जैसे देश में त्योहार हैं वैसे अपना भारत देश यहाँ त्योहार की विविधता को लेकर यहाँ बड़ा चर्चित है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कारण अपनी जो संस्कृति है वो त्योहारों की संस्कृति है। अपने यहाँ ऋतुओं को लेकर त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं। तो ऐसे जो सांस्कृतिक अपनी धरोहर हैं उस धरोहर में विभिन्न जातियों और संप्रदायों के अपने अपने त्यौहार एवं पर्व हैं जिनकी एक सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा रही है। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि पर्वों पर ऐसे फीचर लिखे जाते हैं। इन फीचर्स में पर्वों की मूल संवेदना एवं उसके पौराणिक संदर्भों को प्रस्तुत करके आधुनिक संदर्भों में उसकी व्याख्या विश्लेषण की प्रवृत्ति रहती है। इसी के साथ यहाँ जो यात्रा वर्णन हो, मनुष्य पर्वतों पर, गुफाओं को लेकर, समुद्रों तथा आकाश पर चक्कर काटने को लालयित थे, तो उसे लेकर भी यहाँ यात्राओं से ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ऐसे यात्रा के विभिन्न विषय यहाँ प्रभावों के साथ अंकित किए जाते हैं, तो वह भी यहाँ सांस्कृतिक फीचर के रूप में, यहाँ उसे यात्रा फीचर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे फीचर भी यहाँ इसी में आते हैं। उसके बाद चार हैं चिंतन परक फीचर। चिंतन परक फीचर आप लोगों को मालूम है कि आज हमारा विज्ञान का युग है। विज्ञान ने आधुनिक मानव सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान से अलग नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों से पाठकों को परिचित कराने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति का यह सुंदर एवं सशक्त माध्यम है। और आज के इस जल संचार के युग में हम देखते हैं कि इसमें रोचक जो बातें हैं, रोचक बातें उद्घाटित किए जाते हैं। आज जैसे प्राकृतिक परिस्थिति है, उसी के साथ मानवीय जो परिस्थितियां हैं, मानवीय परिस्थितियों को भी और प्राकृतिक परिस्थितियों को लेकर भी जो चिंतन परक फीचर है वो लेके जाते हैं। जैसे पर्यावरण की समस्या को लेकर हैं, औद्योगिक प्रदूषण को लेकर हैं, जल समस्याओं को लेकर हैं, उसी के साथ मानवीय जो परिस्थितियां हैं, फिर वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो, आर्थिक हो, साहित्यिक हो, इन सब को लेकर यहाँ जो चिंतन परक विषय हैं वो चिंतन परक विषय यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। उन विषयों को यहाँ बड़े व्यापकता से यहाँ रखने का प्रयास होता है। इसलिए चिंतन परक फीचर बहुत सारे समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं और पाठकों को यहाँ चिंतन मनन करने के लिए यहाँ प्रेरित करते हैं। इस तरह कभी कभी कुछ चिंतन परक फीचर पाठकों को यहाँ ऐसा संदेश देते हैं, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार के भी जो फीचर हैं वो फीचर आज प्रकाशित हो रहे हैं। उनमें विभिन्न मानवीय जो विषय हैं वो मानवीय विषय यहाँ
प्रकाशित हो जाते हैं और उन विषयों को यहाँ उद्घाटित करने का कार्य इन चिंतन परक फीचरों के माध्यम से होता है। पांचवा है साहित्यिक फीचर। साहित्यिक फीचर में यहाँ मानव जीवन को लेकर जो साहित्य यहाँ लिखा गया है उसमें सामाजिक राजनीतिक के साथ जीवन की अनेक जो स्थितियाँ हैं वो उद्घाटित होती हैं, उसे कवि साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से, साहित्यकार के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से उद्घाटित करने का कार्य होता है। उसमें व्यंग्य का भी पुट दिया जाता है, इसे सरस और चुटली भाषा में हास्य का पुट देकर भी लिखा जाता है। इनके पीछे एक विशेष लक्ष्य या उद्देश्य जीवन में शुद्धता हेतु जो कार्य है वो कार्य करने का हेतु रहता है। इस दृष्टि से आज हम देखते हैं कि जो साहित्यिक फीचर हैं वो साहित्यिक फीचर अनेक प्रकार से यहाँ लिखे जाते हैं, जिसमें मानवीय रुचि के फीचर होते हैं जिनसे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और वह उत्तेजित और हतोत्साहित हो जाता है, उसे कभी प्रसन्नता होती है, सहानुभूति होती है। तो ऐसे मानवीय रुचि के अनुकूल लिखे गए जो फीचर होते हैं वो मुख्यतः भाव प्रधान होते हैं और इसी के साथ उसमें कारुणिक यानी करुणापूर्ण, मार्मिक तथा अनुभूतिपूर्ण जो बातें हैं वो भी उद्घाटित की जाती हैं। ये फीचर पाठक की संवेदनाओं को यह उद्घाटित करते हैं। वस्तुतः ये क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत हैं, इसमें अनेक प्रकार से जो साहित्यिक बातें हैं वो साहित्यिक बातें यह उद्घाटित की जाती हैं। अरे आप लोग देखते हैं कि महाभारत हो यानी उसके पर रामायण महाभारत हो, तो रामायण महाभारत से लेकर आज तक जो भी साहित्य लिखा गया है पूरे विश्व में जो कुछ अनेक भाषाओं में यहाँ उत्कृष्ट ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से, उन रचनाओं के माध्यम से या प्रासंगिक तौर पर फीचर लिखे जाते हैं और उन फीचरों के माध्यम से फिर वो रचनाकार हो, वो रचना हो, उसका विषय हो, वो विषय यहाँ कई रूपों में उद्घाटित किया जाता है। ऐसे साहित्यिक फीचर भी लिखे जाते हैं, जैसे बहुत सारे जो बातें हैं वो पुरानी बातें यहाँ उद्घाटित की जाती हैं और उसका जो सत्य पक्ष हैं वो सत्य पक्ष यहाँ और रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है, जो पाठकों को यहाँ चिंतन करने के लिए, उन्हें या सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद अगला जो प्रकार सामने आता है वो है फोटो फीचर या उसे चित्रात्मक फीचर भी कहा जाता है, छायांकन फीचर भी कहा जाता है। ऐसे चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहने की जो प्रवृत्ति है आज पाठकों में काफ़ी लोकप्रिय हुई है। यानी मैंने इसके पूर्व ही कहा था कि चित्र, एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है, इसलिए हम देखते हैं कि अनेक समाचार पत्र जो होते हैं वो व्यंग्य चित्र हो या फोटो हो या अन्य चित्र हो, उन चित्रों के माध्यम से या फीचर देने का प्रयास करते हैं। किसी भी फीचर, लिखित फीचर के साथ या फोटो दिया जाता है और उस फोटो के माध्यम से हमें यहाँ इसलिए आकर्षित किया जाता है कि किस प्रकार वह घटित हुआ है और उसका जो सही सत्य है उस सही सत्य तक ले जाने का कार्य, उस कौतूहल तक पहुँचाने का कार्य यह होता है और एक प्रकार से पाठक की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा की पूर्ति भी यहाँ हो जाती है। इस तरह के जो फीचर है हर समाचार पत्र आज यहाँ प्रकाशित करता है। संपादकीय विभाग में या उसके जो व्यंग्य चित्रकार हैं उनका एक विभाग होता है या छायांकनकार जो है उनका एक अलग से विभाग होता है। और आप लोगों ने इसके पूर्व जो पाक्षिक पत्रिका थी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि पत्रों ने इस क्षेत्र में पहले विशेष भूमिका निभाई है। ऐसे फीचरों में चित्र ही अपनी बात कहते हैं, शब्दों की आवश्यकता यहाँ बहुत कम रहती है। तो इस तरह फोटो फीचर जो है, फोटो फीचर की जो आवश्यकता है वह आज हमें मुद्रित माध्यम में सबसे अधिक दिखाई देती है और इस फोटो फीचर के माध्यम से आप लोग समझते हैं कि किस तरह आज घटना घटित हुई है और वह हमें यह सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसे जो फोटो फीचर हैं वो फोटो फीचर का एक प्रकार से युग ही आ गया है, जिसे हम फोटोग्राफी भी कहते हैं। सुंदर सचित्र फीचर पत्र पत्रिकाओं में खूब छपते हैं, विशेषांकों में, साप्ताहिक परिशिष्टों में, समाचार इतर सामग्री में,
सचित्र फीचर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पाठक इन्हें बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। इससे पत्र पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ती है और पाठकों को स्तरीय, पठनीय, रोचक सामग्री यहाँ प्राप्त हो जाती है। और इससे यहाँ उन्हें जो अपेक्षा हैं उस अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है। इस तरह यहाँ ये जो मुद्रित माध्यम के लिए फीचर लेखन है इन प्रकारों में लिखे जाते हैं। इन प्रकारों के माध्यम से आज मुद्रित माध्यम का जो महत्व है वह दिनों दिन यहाँ कायम है। आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बोलबाला है तो भी यहाँ मुद्रित माध्यम जो है मुद्रित माध्यम अपना अस्तित्व कायम रखे हुए हैं। तो उसका मुख्य आधार ये संपादकीय पृष्ठ है, उनके फीचर लेखन है, उनके अग्रलेख है, उनके संपादकीय है, उनके स्तंभ लेखन है। उसी से हमें समाचार पत्रों का जो महत्व है वो महत्व यहाँ आज भी बरकरार दिखाई देता है। इस तरह आप लोग समाचार फीचर के जो प्रकार हैं वह समझ गए। धन्यवाद।